कैन यू सी गाइस कितना क्लीन है स्कैल्प मेरा। हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग्स एंड हॉल्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट, एंड इफ यू आर वॉचिंग दिस फेस फॉर द फर्स्ट टाइम देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो काफ़ी दिनों से मेरे पास इतने कमेंट्स आ रहे हैं, इतने डीएम्स आ रहे हैं कि प्लीज़ हेयर केयर के बारे में वीडियोस बनाओ। मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे बना रखा है, एक हेयर मास्क का वीडियो है, रिसेंटली एक हेयर ऑयल का भी मैंने वीडियो पोस्ट किया है। बट स्टिल मैंने सोचा कि चलो, जो लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते इतने, इतना छोटा सा हेयर ऑयल इतना महंगा, तो जो लोग यहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए मैं एक होम रेमेडी लेकर के आती हूँ। एंड मैं खुद इसको यूज़ कर रही हूँ, एक दो बार मैंने यूज़ किया है और मैं खुद इसको आप लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करवाना चाहती थी, बट टाइम नहीं हो पा रहा था। टाइम के शॉर्टेज की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। सो आज फाइनली मुझे टाइम मिला है एंड मैंने सोचा कि मुझे वीडियो बनाना ही होगा इस टॉपिक पर। सो टाइटल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि वीडियो किस बारे में है। जी हाँ, आज मैं आप लोगों के साथ एक मेथी पैक शेयर करने वाली हूँ, या फिर फेनुग्रीक पैक भी कह सकते हैं आप इसको, जिसको कि आप लगाने के बाद आपके हेयर में आपको विजिबल डिफरेंस नज़र आएगा फर्स्ट यूज़ के बाद ही। मैं नहीं बोलूँगी कि इसको आप 1 वीक यूज़ करो, 2 वीक यूज़ करो, मैं नहीं बोलूँगी, एक ही बार बस यूज़ करो एंड यू विल लव योर हेयर, ट्रस्ट मी। सो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि इसको कैसे प्रिपेयर करना है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपको दिखाते जाऊँगी कि कैसे इसको प्रिपेयर करना है। सो मेक श्योर यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, और बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो फिर आप मिस कर दोगे कि बीच के क्या स्टेप्स हैं। तो मिस मत करना, पूरा लास्ट तक देखना, एंड पसंद आएगा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। सो या, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो गाइस, अगर आपको मेथी पैक बनाना है तो सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पे मेथी को भिगा के रख लिया था, ओवरनाइट मैंने भिगा लिया था और ये कुछ इस तरीके से फूल गया है भीग के। तो अब हम इसको अच्छे से ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेंगे, एकदम स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे इसका। तो ये आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना स्मूथ हो गया है, इसको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अभी हम इसमें कर्ड मिला लेंगे थोड़ा सा, ताकि हमारे जो बाल की क्वालिटी है वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाए। तो इसमें मैं करीब 1 से 2 स्पून तक कर्ड मिलाऊंगी अच्छे से। सो लेट मी शो यू इसको आपको कैसे अपने हेयर में लगाना है। तो सबसे पहला जो काम है, आपको अपने पूरे हेयर्स को कॉम करके एक साइड ले आना है, देन उसको पार्ट पार्ट करके आपको अपने स्कैल्प में इस जो पेस्ट है उसको अप्लाई करना है। पहले आप स्कैल्प पे फोकस करें, देन अगर बच जाता है पेस्ट तो आप रेस्ट ऑफ द हेयर में लगा सकते हैं, लेकिन पहले आप कोशिश करें कि पूरे जो स्कैल्प है उस पर अच्छे से इसको लगा लें, क्योंकि जो हमारा हेयर मास्क है वो हमारे स्कैल्प पर काम करने वाला है, वो हमारे हेयर के लेंथ पर कुछ काम नहीं करेगा, इसीलिए हमको स्कैल्प पे ज़्यादा फोकस करना है। तो देख सकते हैं जैसे मैं यहाँ पे लगा रही हूँ वीडियो में, कुछ इसी तरीके से ही आपको भी अप्लाई करना है। एंड अप्लाई करने के बाद 30 मिनट या फिर 40 मिनट तक आप इसको रहने दीजिए अपने सर पे, अच्छे से ड्राई हो जाने दीजिए, देन आप इसको वॉश कर सकते हैं। पहले आप नॉर्मल वाटर से ही वॉश करके देखें, अगर नहीं जा रहा है आपके बाल से देन आप थोड़ा सा ल्यूकवॉर्म वाटर ले सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी आप नॉर्मल वाटर से ही अपना हेयर वॉश करें। सो गाइज, अभी जस्ट मैं हेयर वॉश करके आ गई हूँ मेथी वाला पैक लगाने के बाद, एंड थोड़े मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो नहीं गए, बट आई होप सूखने के बाद ये चले जाएंगे झाड़ देने से। सो सूखने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा मेरा हेयर का क्वालिटी है एंड कितना ये मेरे पे वर्क किया, सारा कुछ मैं आपको बताऊँगी। सो अब जब आपने पूरा प्रोसीजर देख ही लिया है, पूरा सब कुछ देख ही लिया है, तो अब बात आ गया है रिजल्ट का। सो आज ही मैंने इसको लगाया था एंड अभी मैं एक वीडियो शूट करने के लिए छत पे आई थी, सो मैंने इसका इंट्रो शूट कर लिया एंड अभी मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगी कि इसको लगाने के बाद मेरा स्कैल्प कितना ज़्यादा अच्छा हो गया है। और पहले मैं इसके बेनिफिट बता दे रही हूँ, अगर आपके बाल में डैंड्रफ है, अगर आपके बाल झड़ते हैं, अगर आपके बाल ड्राई हो गए हैं, डैमेज हो गए हैं, देन आप इस पैक को एक बार यूज़ करके देखो एंड फिर वापस आके इसी वीडियो में कमेंट करके जाना कि आपको कैसा लगा। अगर पसंद नहीं आया ना पैक तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके जाना, मुझे गाली देके जाना, वॉट एवर, जो आपका मर्जी, लेकिन एक बार ज़रूर यूज़ करो। जो लोग भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो हेयर फॉल का, वो लोग प्लीज़ यूज़ करो।
सो अभी मैं आपको रिजल्ट दिखा देती हूँ। पहले तो कितना शाइन कर रहा है मेरा हेयर, आप देख के आपको पता लग रहा होगा। आज मैंने कोई कंडीशनर नहीं यूज़ किया, मैंने बस मेथी पैक ही लगा के शैम्पू से हेयर वॉश किया था एंड शाइन आप देख ही सकते हो। तो अभी मैं दिखा देती हूँ अपना स्कैल्प आपको। मेरे स्कैल्प पे बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हुआ करते थे, बट आप देख सकते हो अभी मेरा स्कैल्प देखो कितना क्लीन है। नज़र आ रहा है आपको कितना क्लीन है मेरा स्कैल्प? देखो फिर मैं इस साइड का दिखाती हूँ आपको, देखो कैन यू सी गाइस कितना क्लीन है स्कैल्प मेरा। आई होप आपको दिख रहा होगा कि मेरा स्कैल्प कितना ज़्यादा क्लीन है। सो या यही था आज का वीडियो, मैंने सोचा कि मैं एक बार आपको बता देती हूँ, शायद किसी को नहीं पता होगा इस पैक के बारे में तो वो यूज़ कर लेगा। एंड अगर आपको पसंद आया आज का वीडियो तो प्लीज़ लाइक करके जाना। एंड या मिलती हूँ मैं फिर एक अच्छे से वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।